नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज में तो इस समय रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। कल राहुल गांधी से मिलने ट्रैक्टर पर निकलेंगे नवा रायपुर के किसान। इस वक्त राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी से मिलने ट्रैक्टर पर नवा रायपुर के किसान निकलेंगे। दरअसल राहुल गांधी से मिलने के लिए पत्र लिखकर वक्त मांगा है। अब मिलने का समय नहीं मिलने पर किसान ट्रैक्टर से नवा रायपुर से पुराने रायपुर की ओर कूच करेंगे। बता दें कि सांसद राहुल गांधी राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही इस योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए राज्य के अनुपूरक बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम में सांसद राहुल गांधी योजना के लिए पात्र 3,55,000 भूमिहीन कृषक मजदूरों को DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों राशि अंतरण करेंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की आबादी में 70% आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है। खेती किसानी के कार्यों में काफी संख्या में कृषि मजदूरों जुड़े होते हैं। इनमें से कई ऐसे कृषि मजदूर हैं जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं है और वे दूसरों की कृषि भूमि में श्रमिक के तौर पर काम कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इन्हीं भूमिहीन कृषि मजदूरों की समस्या को समझा और उन्हें आर्थिक संबल देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू करने की घोषणा की। योजना के लिए 1 सितंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक भूमिहीन कृषि मजदूरों का पंजीयन किया गया। साथ ही हितग्राहियों की पहचान करने एवं उन्हें वार्षिक आधार पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ लेने के लिए अब तक 3,55,000 हितग्राहियों ने पंजीयन कराया है।